माता की जय। जय सियाराम। सभी मेरे सिख भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को गुरु तेग बहादुर सिंह साहब जी के जन्म शताब्दी के इस अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही साथ भारत के उन तमाम देशवासियों को आज मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जन्म शताब्दी हो या उनका बलिदान दिवस हो, हर व्यक्ति को उनको याद रखने की आवश्यकता है जो भारतीय है, जो हिंदू है। क्योंकि जब मुगलों का राज था, मुगलों का बस एक ही एक उद्देश्य था कि भारत में जो गैर मुस्लिम है उन पर अत्याचार करो, उनका धर्मांतरण करो, उनको मुसलमान बनाओ। ये औरंगजेब एक रणनीति के हिसाब से वो कार्य कर रहा था। वो समय पर औरंगजेब के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति आवाज उठाता था तो उस व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु तेग बहादुर सिंह साहब जी का वो कार्य जो किसी हिंदू ने साहस नहीं किया था वो समय पर, वो साहस तेग बहादुर सिंह जी ने किया था। कश्मीर में जब हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था कश्मीरी पंडितों का, तो कश्मीरी पंडित का एक डेलीगेशन गुरु तेग बहादुर सिंह जी के निवास पर जाकर गुरु से यह प्रार्थना की कि हे गुरु, आप सिखों के नौवे गुरु हैं, कृपया करके हमारी रक्षा करें, हमारी स्त्रियों की रक्षा करें, हमारे बालकों की रक्षा करें। औरंगजेब की सेना हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रही है, हमारे बच्चों के सर कलम कर रही है, जो भी इस्लाम कबूल नहीं करता है उसको मार दिया जा रहा है, कृपया करके हमारे परिवार के, हमारे लोगों की रक्षा करें। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने यह निर्णय लिया कि मैं कश्मीरी पंडितों की रक्षा करूंगा। औरंगजेब को एक खुला चैलेंज किया तेग बहादुर सिंह साहब जी ने कि अगर तेरे में दम है तो मेरा धर्मांतरण करके बता। औरंगजेब ने एक षड्यंत्र रचा, गुरु तेग बहादुर सिंह जी को एक षड्यंत्र के नाते उनको पकड़ा, उनके साथियों को पकड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज का कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस का एक छोटा सा डंडा पड़ जाए तो व्यक्ति हर वो कार्य कर देता है जो पुलिस कहती है। लेकिन वो समय पर तेग बहादुर सिंह साहब जी को औरंगजेब और औरंगजेब की सेना बहुत टॉर्चर किया है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के सभी साथियों को गुरु तेग बहादुर सिंह जी के सामने जला दिया गया, तेल में उबाला गया, आले से काट दिया गया और तेग बहादुर सिंह जी को बस एक ही एक कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तेग बहादुर सिंह जी ने कहा कि हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन शीश नहीं। वो वीर महापुरुष तेग बहादुर सिंह जी। तेग बहादुर सिंह जी वो समय पर संघर्ष ना करते तो मैं समझता हूं हिंदू नाम मात्र का रहता। एक तरफ तेग बहादुर सिंह जी की वीरता के किस्से पूरे भारत के कोने कोने में सुनाए जाते हैं। जिन लोगों को उनके बारे में पता है वो लोग उनकी कहानी बताते हुए पर भी अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। एक तरफ तेग बहादुर सिंह जी, दूसरी तरफ उन्हीं के सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी। जो मार्ग तेग बहादुर सिंह जी ने चुना था कि मानव रक्षा मैं करूंगा, वही मार्ग गुरु गोविंद सिंह जी ने भी चुना था। उन्हीं के सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी
औरंगजेब से युद्ध छेड़े, बहुत ही भारतीयों की रक्षा की है। मेरे भाइयों, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चार साहेब जादों को भी निछावर कर दिया, लेकिन मानवता पर कोई आंच आने नहीं दी। यह उनकी वीर गाथा है मेरे भाइयों। वैसे तो हर गुरु का एक इतिहास है, हर सिख भाई का एक इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज लोग उनको भूलते जा रहे हैं। मैं सभी भारतीयों से, सभी हिंदुओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल हर वो व्यक्ति स्मार्टफोन यूज करता है, तो उन वीरों का इतिहास हमें जानने की आवश्यकता है, जिन वीरों के कारण आज हम गर्व से कह रहे कि मैं एक हिंदू हूं। उन वीरों के बलिदान की वजह से आज हम गर्व से तिलक लगा सक रहे हैं। उन वीरों के बलिदान दिवस उनकी वजह से ही आज हम सुकून की जिंदगी जी रहे। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं, उन तमाम वीरों का इतिहास जाने और अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि अगर आज हम उनका इतिहास नहीं जानेंगे तो हमारे बच्चे क्या उनका इतिहास जानेंगे कि कश्मीरी पंडितों के लिए किसने युद्ध छेड़ा, हिंदू समाज की रक्षा के लिए किसने युद्ध छेड़ा। अगर वो समय पर ना लड़ते तो क्या आज हम हिंदू होते। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, जागो और लोगों को जगाओ, उन तमाम वीरों का इतिहास तुम जानो और अपने बच्चों को बताओ। धन्यवाद। भारत माता की जय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.